अगर आपने अब तक अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जोमेटो ऐप पर अपलोड नहीं किया फ्रेंड्स, तो जल्दी अपलोड कर दीजिए। अगर आप अपलोड नहीं करते तो आपकी आईडी जो है ब्लॉक हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए सीखेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से अपना कोवैक्सीन सर्टिफिकेट जोमेटो पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली जाना है जोमेटो ऐप पर, यहाँ पर आपको बताएगा सबमिट वैक्सीनेशन प्रूफ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। तो फ्रेंड्स जो अपने वैक्सीन लेते समय अपलोड किया था वह नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपको 13 से 14 नंबर जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर वह मिला है, वह यहाँ पर आपको डालना है। तो देखिए किस तरह से होते हैं वो, यहाँ पर देखिए ये मेरा है जो मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया है। अगर आपने इसे ऑनलाइन किस तरह से करते हैं नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को कोवैक्सीन के, वह भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ऐसे 13 या 14 नंबर होते हैं उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर, तो आपको वह नंबर इस पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए पूरा बताता है, एक OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला है। जैसे ही OTP आता है आपको वह OTP यहाँ पर डालना है। देखिए 6 डिजिट का OTP होगा, तो ये OTP आ चुका है फ्रेंड्स, ये मैं OTP डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद फ्रेंड्स सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए थैंक यू वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट वेरीफाइड हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है फ्रेंड्स अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट वैक्सीनेशन प्रूफ करके नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारा वैक्सीनेशन जो है सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपने आईडी को ब्लॉक होने से बचा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।